हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन का, क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से। सो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी है उनका नेम है रेनाइसा घोष। आई होप मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो गाइस, अगर आप भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी और आपका नाम भी उस वीडियो में आ जाएगा। और गाइस, ये वाला मेकअप लुक भी मैंने इसी फाउंडेशन को यूज़ करके ही क्रिएट किया है, और ये मैंने क्रिएट किया है शिवांगी जोशी इंस्पायर्ड मेकअप लुक, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप सीरीज चला रही हूँ अपने चैनल पर, और ये उस सीरीज का थर्ड मेकअप लुक है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो गाइस, ये वाले फाउंडेशन को कौन नहीं जानता है, बहुत ही ज्यादा फेमस फाउंडेशन है मेबलिन का फिट में फाउंडेशन, और इसकी एक ग्लास बॉटल में पैकेजिंग भी आती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ट्यूब पैकेजिंग है और मैंने इसको इसलिए बाय किया कि मुझे अपना शेड को अच्छे से टेस्ट करना था। वैसे तो मेरी फेयर स्किन टोन है और फेयर स्किन टोन वाले के लिए जो शेड बताया गया है दैट इज 128 वार्म न्यूड। तो गाइस, मैंने इस फाउंडेशन को ट्यूब पैकेजिंग में बाय किया है, और इसकी जो बड़ी बॉटल है उसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा और ट्यूब पैकेजिंग में आपको 18 ml प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ पैकेजिंग का डिफरेंस है, और ग्लास बॉटल में आपको पंप भी मिल जाएगा, लेकिन ट्यूब पैकेजिंग थोड़ी से अफोर्डेबल थी तो मैंने इसलिए इसको बाय किया है। और मुझे लगता है कि जो ट्यूब फॉर्म में फाउंडेशंस होते हैं ना, उनको अप्लाई करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और इस फाउंडेशन की जो सूटेबिलिटी है ना, यहाँ पे मेंशन है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट आई थिंक सारी स्किन टाइप वाले इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं। अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 18 शेड्स मिल जाएंगी। यस गाइस, बहुत ही ह्यूज रेंज है इनके पास शेड्स की, तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इजीली अपना शेड चूज कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन की जो सबसे खराब चीज है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक दो शेड तक डार्क हो जाता है फाउंडेशन, जो कि मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं लगी है। और थैंक गॉड मैंने सिर्फ ट्यूब पैकेजिंग ही बाय करी थी इसको ट्राई करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसका बड़ा पैक बाय करूंगी तो मैं शेड बाय करूंगी 115 या फिर 120, जो कि मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एकदम सही बैठेगा, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा फेयर दिखेगा लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद मेरी स्किन से एकदम मैच हो जाएगा। तो जब भी आप अपना शेड चूज करें तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा कि आपने अपने स्किन टोन से एक दो शेड लाइट चूज करने हैं। और मैंने इसका ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट भी किया है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया है अपनी आर्म पर, और उसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए वेट किया, देन दोबारा से प्रोडक्ट को अप्लाई किया। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है ये वाला प्रोडक्ट, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये टेस्ट दिखाया है ताकि आप लोगों को शेड चूज करने में आसानी हो। तो चलिए अब इसका एक क्विक डेमो देख लेते हैं। मैंने एक साइड पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है और दूसरी साइड पर मैंने ब्रश का यूज किया है, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि ये फाउंडेशन कैसे परफॉर्म करता है हमारी स्किन के ऊपर। सबसे पहले मैंने अपने फेस पर फेशियल ऑयल अप्लाई करने के बाद प्राइमर अप्लाई किया है, और प्राइमर को हमने टी जोन के ऊपर फोकस करते हुए अप्लाई करना है, और उसके बाद हमने वेट करना है 5 से 10 मिनट के बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करना है। तो गाइस, मैं अपने फेस की एक साइड पर डॉट आउट करके फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी, और इस साइड पर फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, और दूसरी साइड पर मैं ब्रश का यूज़ करूंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मुझे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिली है, एकदम फ्लॉलेस लुक आया है, डुई काइंड ऑफ लुक मिल गया है मुझे, और जो मेरे फेस के ऊपर डार्क स्पॉट थे वो भी काफ़ी अच्छे से कवर हो गए हैं, यानी कि अगर मैं इस फाउंडेशन की डबल लेयर लगाऊंगी तो मुझे एक अच्छी खासी हाई कवरेज मिल जाएगी, लेकिन मैं सिंगल लेयर ही अप्लाई करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी मैं अपने फेस पर दूसरी साइड पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। मैंने एक ही बार में पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग एक ही बार में फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे और उसे थोड़ी देर के बाद ब्लेंड करेंगे तो तब तक हमारा फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा, जो कि अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें, पहले अपने फेस की एक साइड पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लें, देन उसके बाद दूसरी साइड पर अप्लाई करें। तो इस साइड पर मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश की हेल्प से भी मुझे इस फाउंडेशन की काफ़ी अच्छी कवरेज मिली है, और मेरे जो फेस के डार्क स्पॉट थे वो भी बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। और दोनों साइड में डिफरेंस ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर की तरफ से जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस है, और फाउंडेशन की तरफ से कवरेज उतनी ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है।
सो गाइस, ये थी मेरी आज के वीडियो रिव्यू मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन का। जब भी आप इस फाउंडेशन को बाय करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी मेरी ये वाली वीडियो। सो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो कि ये वाला फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइस, चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।